होटल की तरफ से आपके लिए स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू सो मच। वाओ, चॉकलेट कुकीज माय फेवरेट। करण, आभा, तुमने फॉर्च्यून कुकीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये है यहाँ की स्पेशलिटी, चॉकलेट कुकीज। और पता है क्या, ये अपना फॉर्च्यून भी बताती है। पहले मैं ओके। Very soon your life is going to be changed. Oh, हमें तो इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच लग रही है। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है। क्यों संस्कार? Right. कुछ भी हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो सानिया ने कभी सोचा ना हो। यार, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाने में विश्वास रखता हूँ। अरे वो सब ठीक है, बट फॉर द पार्टी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द फन। अब तुम करो, योर टर्न। जस्ट बी अवेयर बिफोर ट्रस्टिंग एनीबॉडी। क्या टेंशन ले रही हो? सुना नहीं अभी भी संस्कार ने क्या कहा? हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, ये सब सिर्फ फालतू टाइम पास है। राइट? हाँ भाव, ये सब कुछ तो ऐसे ही होता है, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब गाइस, घर चलें क्या? अरे क्यों, रुक जाओ ना, थोड़ा मजा आ रहा है। प्लीज, बहुत थक गए हम। हाँ करण, हम भी थक गए हैं। ऐसी बात है तो चलते हैं, कम। अरे अगर तुम रुकना चाहते हो तो हम दोनों रुकते हैं ना। आभा और सानिया चले जाएंगे। नहीं यार संस्कार, इनके बिना रुक के क्या मजा आएगा। चलो, अगर थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी को अकेला छोड़ोगे तो भाग थोड़ा जाएगी। सानिया, तुम आभा को लेके भाग तो नहीं जाओगी ना? बिल्कुल भी नहीं। राइट, राइट। तो We'll have a boys night out. वो क्या कहते हैं वो? मर्दों वाली बात। यार मर्दों वाली बातें तो हम अपने घर के सोफे पे भी कर सकते हैं ना। और honestly, आज special day. तभी तो कह रहा हूँ। करण, अगर आप दोनों यहाँ रहना चाहते हैं और संस्कार इतनी जिद कर रहा है तो ले लीजिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, कह रहे हैं ना। सुनिए, जाने के पहले कुछ भूल रही हैं। क्या? ये नहीं कहना चाहोगी कि जल्दी आइएगा? I'll miss you. नहीं। Drive safe. Yes, I will, sir. Bye. आवा। Thank you. Large, on the rocks. अरे नहीं नहीं यार, ये क्या कर रहे हो? मैं नहीं पीऊंगा, आभा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
आपको सुना नहीं, पसंद नहीं है? हाँ, आभा को पसंद नहीं है, इसलिए एक लेंगे ना, सिर्फ एक। वो क्या, आज पहली बार हम दोनों एक साथ बैठे और वैसे भी आज सेलिब्रेशन का दिन है, और इसके बिना सेलिब्रेशन अधूरी है। थोड़ी थिंक वन, तुम पिटवाओगे? एक ज्यादा ना। एक। चीयर्स। तो मेरी खत्म हो गई, अब निकलते हैं। अरे नहीं यार, देख तुम बर्बाद हो गया यार, मैं बोल रहा तुम्हें मुझे अपनी बीवी के पास आना है, ये सब मत करो यार। पागल हो गए तुम। तरफ देख, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है, समझे? लेट्स गो। अरे आ गए तुम लोग? जी पापा। और करण और संस्कार कहाँ रह गए? वो पापा एक्चुअली हम दोनों बहुत थक गए थे, इसे वापस आ गए। करण संस्कार थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहते थे तो रुक गए, आ जाएंगे। और डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा पापा, हमने इतना मजा किया ना, इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, इतना अच्छा खाना था। और आपको पता है पापा, करण ने आभा के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज रखा था, बहुत मजा आया। अरे बस बस बस, तू तो कह रही थी कि तू बहुत थक गई है, हाँ? पर तेरी ज़बान थकती नहीं। बाकी की बातें हम कल सुनेंगे, पहले मेरा काम कर दे, जा ऊपर जाकर मेरी दवाइयां ले आ। अभी लाई। बेटा एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैंने सानिया को ऊपर भेजा। बस बस संस्कार, ये बेकार का नशा है, जानते हो क्यों? क्योंकि ये नशा तो सुबह होता जाता है यार, लेकिन प्यार का नशा, प्यार का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता मेरे दोस्त, जिंदगी भर नहीं उतरता था। सीधा यहां जाके बस जाता है। ये प्यार के लिए, नशे के लिए। इसके बाद नो मोर, मुझे अपनी बीवी के पास जाना, समझे? लास्ट 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 लास्ट। जी अंकल, सच कहूं ना तो बेटा, तुम्हें और करण को साथ में देखकर बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत चाहता है तुम्हें। हाँ बेटा, वैसे शादी के समय जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का खेल था, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें किस्मत दूसरा मौका देती है, और सानिया को वो दूसरा मौका मिला है। मेरा संस्कार बहुत अच्छा लड़का है, और जब भी मैंने सानिया को संस्कार के साथ देखा है ना, तो बहुत खुश देखा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगर उन दोनों की शादी। हाँ अंकल, हमारा मतलब, अंकल सानिया और संस्कार दोनों दिल से बहुत अच्छे हैं, अगर वो एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं तो दोनों बहुत खुश रहेंगे। बेटा संस्कार के घर परिवार में तो कोई है नहीं, तो अगर तुम उससे इस बारे में बात करो तो तुम तो अच्छी दोस्त हो उसकी। हम जरूर बात करेंगे अंकल। थैंक यू बेटा। अरे
दवाई पापा। तो जा बेटा मैं खा लूं। चले। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। बाय बेटा। गुड नाइट बेटा। इतनी सुंदर है मेरी आवा। तुम्हें पता है संस्कार, मेरी बीवी से अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मुझे मेरी बीवी। ये आभा की ब्यूटी के लिए। ओनली फॉर आभा। सानिया थैंक्स। थैंक्स किस लिए? तुमने अब तक जो किया और जो कर रही हो उसके लिए। तुम जो कर रही हो ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। आभा, करण और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इस बात का आभास है हमें। तुम जानती हो, इस पल का करण और हमने बहुत इंतजार किया है, और आज तुम्हारी वजह से वो पल इतने खूबसूरत बनने जा रहे हैं। मुझे मेरी बीवी। सच कहें तो खुशी भी है और हल्का सा डर भी, अरमान भी है और सपने भी। आभा, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब देखना, तुम दोनों को अब कोई भी जुदा नहीं कर सकता। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय। सब लोग सुन लीजिए, सब लोग साफ साफ सुन लीजिए, अब मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। तो थैंक यू, गुड नाइट। ओके थैंक यू चीयर्स। आज मैं तुम्हें इतने नशे में डुबो दूंगा करण, कभी होश में नहीं आओगे। जाना है।
चलो कर आराम से, नहीं आराम से कर। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने कि करण आज का दिन तो मत पी, बहुत रोका पर वो खुशी के मारे शायद थोड़ी ज्यादा पी गया। मैंने संभालता, मैंने संभालता। तुम रहने दो संस्कार, तुम अपने आप को संभालो उतना ही काफी है, करण को हम संभालेंगे, जाओ घर जाओ। कल का क्या प्रोग्राम है आपका? कल सोमवार है, हमें मंदिर जाना है। करण कहाँ ना रहने दो, वैसे मैं कल सुबह मंदिर जा रहा हूँ, अगर तुम कहो तो मैं। मैंने तो रोका था, कब तक आबा, कब तक इस लड़खड़ाते हुए रिश्ते को और संभालती रहोगी? जिस रात का तुम्हें और करण का बेसब्री से इंतजार है, दिन का सूरज तो मैं कभी निकलने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। करण, मुझे अपनी बीवी के पास। चलिए संस्कार, मुझे अपनी बीवी के पास। करण संभल के,
आभा आभा मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, कितनी निराशा हो रही होगी। मैं सब जानती हूँ आभा, शादी के बाद तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन करण से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सानिया, करण जानते हैं हमें शराब से कितनी नफरत है, फिर भी उन्होंने और वो भी आज। करण ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन शराब पीने की नहीं, तुम्हारा दिल दुखाने की। लेकिन आभा, करण दिल का बुरा नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी पहली गलती मान के उसको माफ कर दो। देखना, जब वो सुबह उठेगा ना, उसको खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा, फिर वो तुमसे जरूर माफी मांगेगा। लेकिन हाँ, तुम भी उसे एक बारी में बिल्कुल माफ मत करना, उसे ये एहसास दिलाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हारा दिल दुखा के। बहुत रात हो गई है, सो जाओ।